डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। अब हम जो कल पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं और देखो ए वेक्टर आपके पास हम मान के चलते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के रहा होगा, और बी वेक्टर इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के रहा होगा। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इनके ऊपर कैप लगाएं या नहीं लगाएं। आप लगा सकते हो, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं इन पे कैप शुरू से ही नहीं लगाता। तो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाओ तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए क्रॉस बी, तो ध्यान देना आप इसको क्या लिखेंगे, आई जे के, और ये क्या है ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री। ये आपका क्या होगा ए क्रॉस बी, ये आपको याद रखना है। और ये क्या बन गया, एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, और सारणिक को सोल्व करना आपको आता ही है, तो आप कर सकते हो। और उसके साथ देखिए, अगर आपको कहीं आई क्रॉस आई लिखे मिले, या जे क्रॉस जे मिले, या फिर के क्रॉस के मिले, तो ये सब क्या होंगे बताइए अपने मन से, क्या होंगे, जीरो कंप्लीट। उसके बाद देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आप ऐसा बोल सकते हो ये आई है, ये जे है, और ये क्या है के है, मतलब आई क्रॉस जे क्या आएगा के, आई जे क्या आएगा के। अब ऐसे ही जे के, देखो जे के क्या आया आई, ऐसे ही ध्यान दो अगला, के इंटू आई करोगे तो क्या आएगा जे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि ए क्रॉस बी करते हो तो क्या होता है माइनस का, अगर आप उल्टा करोगे तो यूं हो जाएगा ए क्रॉस बी क्या होगा माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद में अब आगे कॉन्सेप्ट और देखिए, उसके बाद देखिए ये आपका, उसके बाद देखिए आप ध्यान से, ये के आपका एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का ए बी और सी, जिसमें आपका ए को आपने इसे रिप्रेजेंट किया, बी को बी से किया, और सी को सी वेक्टर से शीर्ष को रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, एक बटे दो इंटू ए बी क्रॉस ए सी। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग अगर आपने ए से किया तो यहां भी ए से ही करोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बी ए इंटू में बी सी। अगर ये भी नहीं करना चाह रहे तो आप लिख सकते हो वन बाई टू इंटू सी ए, सी ए ए पहले आता है ना, और सी से स्टार्टिंग कर रहे हो तो सी बी वेक्टर। ये तो क्या हो गया सदिश क्षेत्रफल हो गया। और ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा मैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अरे याद होगा ना, ए बी वेक्टर क्या होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एंड दिस वन किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो आप लिख सकते हो, इसे देख लो आप एक बार वन बाई टू, और उसके बाद ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बी माइनस ए इंटू, और ए सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सी माइनस ए, कंप्लीट। आप इसमें वैल्यूज को रखोगे और आपको आंसर्स मिलेंगे। और केवल आपको ये कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो, तो उस टाइम क्या करना है एक बटे दो, और इसके ही क्या लगा दो ए बी क्रॉस ए सी, या आप एक काम करना इससे जो रिजल्ट आए ना उसका लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेना। और भी इसके बारे में जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप इतना याद करें कि अगर सदिश क्षेत्रफल एग्जामिनर पूछता है तो आपको क्या करना है, कोई भी एक शीर्ष फिक्स कर लो। आपने ए फिक्स किया तो ए के बाद कौन सा आता है बी, और क्या आएगा सी। आप ऐसा करोगे ना ए सी इंटू ए बी कर दिया तो आपको एक नेगेटिव का अंतर आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ये फैक्ट मेथड है कि आपने एक एक वर्टेक्स को एक शीर्ष को फिक्स करो, और उसके बाद फर्स्ट क्या है ए बी, सेकंड क्या है ए सी। आपने इसको किया फिक्स तो ए पहले आता है उसके बाद में बी, लो कंप्लीट। और बी को करते हो तो ए और ये सी। इस प्रकार से आपने
ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझा। अगली क्लास से हम क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही।